मॉर्निंग चिल्ड्रेन ऑनलाइन क्लासेस क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट EVS लेसन 4। तो लेसन 4 में आपके क्या है, फ्लावर एंड फ्रूट। तो आज हम फ्लावर्स एंड फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल, और फ्रूट्स मीन्स क्या होता है, फल। तो फूल और फल के बारे में पढ़ते हैं। ए फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। एक फूल पौधे का खूबसूरत भाग होता है, यानी हिस्सा होता है। इट अटैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। यह क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और परागण में क्या होता है, परागण में मदद करता है। द फ्लावर ग्रो इन टू फ्रूट विच कंटेन सीड्स। फूल उन फलों से विकसित होते हैं जिनमें बीज होते हैं। सम फ्रूट हैव वन सीड लाइक मैंगो पीच। सम फ्रूट हैव मेनी सीड्स लाइक एप्पल ऑरेंज वाटरमेलन एक्सेट्रा। देखिए, कुछ पौधे मतलब कुछ फलों में एक बीज होते हैं जैसे आम और आड़ू, और कुछ फलों में कई बीज होते हैं जैसे सेब, नारंगी, तरबूज आदि। न्यू प्लांट ग्रो फॉर्म सीड। और नए पौधों किससे उगते हैं, सीड से, यानी बीज से उगते हैं। पार्ट ऑफ ए फ्लावर यानी एक फूल के हिस्से। देयर आर मेनी पार्ट इन ए फ्लावर। देखिए, हमारा इसमें फ्लावर का डायग्राम बनाया गया है। इसमें जितने इसके पार्ट होते हैं, देखिए, उसको डायग्राम बनाकर समझाया गया है। इसलिए ये डायग्राम आप लोगों को भी बनाना है और इसके पार्ट को याद करना है। तो देखिए, देयर आर मेनी पार्ट इन ए फ्लावर यानी एक फूल के कई भाग होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, सेपल्स। दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर। ये हरे पत्ते की तरह होते हैं जो फूल के आधार पर संरचनाओं की तरह होते हैं। सेपल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द बड बिफोर इट ओपन्स। तो ये खुलने से पहले कली की रक्षा करने में सेपल मदद करते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि ये हरे पत्तों की तरह होते हैं जो फूल के आधार पर संरचनाओं की तरह होते हैं, और खुलने से पहले जब कली खुलती है ना, तो खुलने से पहले कली की रक्षा करने में सेपल क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें, पेटल्स। तो पेटल्स मीन्स क्या होता है, पंखुड़ी। जो फूल की आपकी पंखुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, देखिए डायग्राम में बनाया है, पेटल्स कहते हैं। तो दीज आर ब्राइटली कलर्स पार्ट ऑफ द फ्लावर। पेटल्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बीज। तो ये क्या बताया कि ये फूल के चमकीले रंग के हिस्से हैं। पंखुड़ियाँ तितली और मधुमक्खियों को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, उसको आकर्षित करती हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्टेमेन। तो इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो जो आपका स्टेमेन होता है, तो ये क्या होता है, यह एक फूल का पुरुष हिस्सा होता है। इसे हम कौन सा पार्ट कहते हैं, मेल पार्ट कहते हैं, यानी पुरुष वाला भाग कहते हैं इसको। इट इज ए मेड अप ऑफ आइडेंटिकल फिलामेंट्स विथ ए सोलेंस हेड एट द टॉप्स कॉल्ड एंथर। यह एक फूल का पुरुष हिस्सा है। यह समान फिलामेंट से बना होता है जिसके सिर पर एक सूजा हुआ सिर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। द एंथर हैज येलो पाउडर लाइक सबस्टेंस कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। आप लोग फूल में देखे होंगे तो उसमें कैसे रहता है, जो आपका एंथर होता है उसमें क्या होता है, येलो कलर का पीले पीले पाउडर जैसा होता है, उसको अगर छुइए तो करिए आप तो क्या होता है, वो झड़ जाता है। तो इसमें भी यही बताया है कि एंथर में पीले पाउडर जैसे पदार्थ होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पराग कण कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए पिस्टल या कार्पल। इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो जो आपका कार्पल होता है, यह एक फूल का मादा हिस्सा होता है।
इट कंटेस्ट द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओब्री, और इसके एक फूल का जो इसके भाग होते हैं उसमें कलंक शैली और अंडाशय इसमें अनभाग शामिल रहते हैं। द स्टिग्मा इज द स्टिकली सरफेस एट द टॉप एंड द पिस्टिल, इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पॉलन व्हेन इट फॉल्स ऑन इट। तो जो आपका स्टिग्मा होता है, तो स्टिग्मा को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कलंक बोलते हैं, कलंक पिस्टिंग। तो इसमें क्या बताया कि कलंक पिस्टिक के शीर्ष पर छड़ी की तरह है, छड़ी की सतह है, जब यह उस पर गिरता है तो यह जाल को पकड़ता है और उसे पकड़ाता है। द स्टाइल इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स अप द स्टिग्मा, शैली संरचना की तरह ट्यूब होती है, जो आपकी स्टाइल होती है तो वो क्या होती है, ट्यूब की तरह एक संरचना होती है जो कलंक रखती है। द स्टाइल लीड्स द पॉलन डाउन द ओबरी दैट कंटेन द ओब्यूल्स, द ओबरी फॉर्म द फूड्स एंड ओब्यूल्स फॉर्म द सीड्स। तो शैली पराग को अंडाशय तक ले जाती है, जो आपका ये ओबरी होता है, तो ओबरी मीन्स क्या होता है आपका, अंडाशय होता है, और ये ओब्यूल्स मीन्स क्या होता है, अंडाणु होता है। तो ये क्या होता है, शैली जो होती है पराग को अंडाशय तक ले जाती है जिसमें अंडाणु होते हैं। द ओबरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड ओब्यूल्स फॉर्म द सीड, अंडाशय फल बनाता है और अंडाणु बीज बनाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। तो इसमें हमें क्या बताया है कि फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना, तो निर्माण करना या उसका गठन करना। तो इसमें क्या बताया कि बीज और फलों का गठन करना। इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू कलेक्ट देयर स्वीट जूस कार्ड नेक्टर, कीड़े अपने मीठे रस को इकट्ठा करने के लिए फूलों पर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। नेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। बेन एन इंसेक्ट सीड्स ऑन द फ्लावर सम ऑफ द येलो पॉलन डस्ट में फॉल ऑन इट बॉडी एंड स्टिक्स टू इट, जब कीट फूल पर बैठता है तो पीले पराग के कुछ धूल उसके शरीर पर गिर सकती हैं और उससे चिपक जाती हैं। द इंसेक्ट कैरी द पॉलन टू अदर फ्लावर, द पॉलन मे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द न्यू फ्लावर। द तो क्या होते हैं, उसके पैर में चिपक जाते हैं, तो कीट पराग को अन्य फूलों तक, इस तरह क्या हो जाता है, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो पराग को फूलों से अन्य जगह तक ले जाते हैं, पराग नए फूलों के कलंक पर गिर सकता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पॉलन फॉर्म द फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, तो पराग नए फूलों के कलंक पर गिर सकता है, पराग को एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। बिसाइड इंसेक्ट मॉस बैट्स एंड सम बर्ड आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशंस, तो कीटे पतंगे चमगादड़ और कुछ पक्षियों के अलावा परागण में भी मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स, तो इसे हम क्या करते हैं, परागणकर्ता कहा जाता है। नाइट ब्लूमिंग प्लांट सच एज नाइट जैस्मीन ओपन एट नाइट टू अट्रैक्ट पॉलिनेक्टर्स सच एज बैट्स, तो रात में खिलने वाले पौधे जैसे रात चमेली चमगादड़ जैसे परागणकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए रात में क्या होते हैं, खुलते हैं। आप भी देखे होंगे कुछ पौधे क्या होते हैं, फूल होते हैं, वो रात में ज़्यादा खिलते हैं, जैसे कौन से हो गए आपके, चमेली के। द पॉलन ग्रेन्स इंटर द ओबरी विथआउट द स्टाइल, तो पराग कण शैली के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करते हैं। दे गेट फ्यूज्ड हियर और ज्वाइन अप विथ द ओब्यूल्स टू फॉर्म सीड,
वे यहाँ से जुड़े हुए हैं या बीजों के साथ मिलकर बीज बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हम इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। द ओव्यूल्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सीड। तो अंडाणु अब बीजों में बढ़ने लगते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी में स्वेल एंड बिकम फ्लेशली। तो निषेचन के बाद अंडाशय सूज सकता है और मांसल हो सकता है। इट मे बिकम हार्ड एंड डाई टू प्रोटेक्ट द सीड डेवलपिंग इनसाइड इट। द फ्रूट इज द राइप्ड ओवरी ऑफ द प्लांट। एज द फ्रूट राइप द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। तो इसके अंदर विकसित होने वाले बीजों को बचाने के लिए कठोर और सूखा हो सकता है। फल पौधों से पकता हुआ अंडाशय है। तो इसमें ये आपके राइप क्या लिखा है, इसमें राइपनेट लिखा है। तो राइपनेट मीन्स क्या होता है, राइप मीन्स पका हुआ। फिर एज द फ्रूट राइप द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। जैसे ही फल पकते हैं फूल की पंखुड़ियाँ सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। तो इसमें किसकी संरचना बताया है, आपके सीड यानी बीज की संरचना बताया है। देखिए आपके बुक में ये बीज का डायग्राम है। तो when we soak seed of beans grams in water for few hours, जब हम सेम के बीज भिगोते हैं तो कुछ घंटों के लिए पानी में इसे क्या करते हैं, हम पीस लेते हैं। या ये क्या करता है, जब हम उसको भुगेते हैं तो आप देखते हैं ना, कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, आपका फूल जाता। After some time seeds become soft and we see a outer covering। तो कुछ समय बाद बीज नरम हो जाते हैं और हमें एक बाहरी आवरण दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीड कोट। तो उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहा जाता है। इफ बी रिमूव द सीड कोट केयरफुली एंड ड्राइव द सीड इंटू टू पार्ट्स देन बी कैन सी सीड्स लीव्स। दीज सीड्स लीव्स आर कॉल्ड कार्टिलेडन्स। तो इसे सीड कोट कहा जाता है। अगर हम बीज के कोट को सावधानी से हटाते हैं तो बीज के दो हाइपोकोटिल कोटिलेडोन भाग होते हैं, जो हमें बीज पत्रों से हम उसको देख सकते हैं। देखिए आपके डायग्राम में दिखाया गया है, इसके दो भाग। देखिए पहले एक एक भाग था, फिर इसके कवर को हम खोल लिए तो इसमें देखिए दो भाग हमें दिखाई दे रहे हैं। इन बीज के पत्रों को हम क्या कहते हैं, कोटिलेडोन कहते हैं, यानी बीज पत्र कहते हैं। कोटिलेडोन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट बिफोर द बेबी प्लांट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड्स। कोटिलेडोन्स जो होता है तो वो बेबी प्लांट के लिए भोजन स्टोर करता है, यानी इकट्ठा करता है, इससे पहले बेबी प्लांट अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है। इन सम सीड्स लाइक ग्राम बीन्स एंड पी दीज आर टू कोटिलेड्स हेंस दीज आर कॉल्ड डाई कोटिलेडोन्स। चना बीज और मटर जैसे कुछ बीजों में दो कोटल्ड होते हैं, इसलिए इन्हें डाइकोटाइनाइड्स कहा जाता है। तो डाइकोटाइनाइड्स मीन्स, डाई मीन्स क्या होता है, दो, यानी जिसके दो भाग होते हैं। फिर बीट माइजा एंड राइस हैव ओनली वन कोटिलेडोन्स इन देयर सीड्स सो दे आर मोनोकोटिलेडोन्स। तो गेहूं मक्का और चावल के बीजों में केवल एक कोटिलेडोन्स होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकोटिलेडोन्स कहा जाता है। अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी बीज का अंकुरण। When a seed start to grow into a baby plant, it is called germination।
जब एक बीज एक बच्चे के पौधे में बढ़ने लगता है तो इसे अंकुरण, जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, अंकुरण इसे कहा जाता है। ए सीड नीड एयर मॉइस्चर वाटर एंड वार्मथ फॉर्म जर्मिनेशंस। मॉइस्चर स्वयं एंड सीड्स एंड सॉफ्टनेस द सीड कोट। तो एक बीज को अंकुरण के लिए हवा, नमी यानी पानी और गर्मी की आवश्यकता होती है। नमी बीज को निकलती है और बीज कोट को नरम रखती है। नेक्स्ट पेज देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट अपीयर्स एंड देन शूट। तो सबसे पहले रूट दिखाई देता है और फिर क्या होता है उसके बाद सूस्ट यानी उसका जो परो वाला भाग होता है। देखिए इसमें ये डायग्राम दिया है, स्टेजेस इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये देखिए पहले सीड कैसे होता, देखिए कितना छोटा सा है। तो इसमें पहली बार आपको क्या दिखाई देता है, ये छोटा सा रूट दिखाई देता है। फिर इसके बाद आपका इसका भाग क्या दिखाई देता है, सूट यानी ये परो तंत्र वाला, ये परो वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो दिखाई देता है। ड्यूरिंग द स्टेज द बेबी प्लांट लीव्स ऑन द फूड स्टोर इन द कॉटिलीडन्स व्हेन द लीव्स अपीयर द यंग प्लांट स्टेट टू मेक इट्स ओन फूड एंड द कॉटिलीडन्स फॉल ऑफ। तो इस अवस्था के दौरान शिशु का पौधा क्या होता है आपका कॉटिलियनों में रखे भोजन पर रहता है। जब पत्तियां दिखाई देती हैं तो युवा पौधा अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है और कोटिलियन पे गिर जाता है। दिस पोर्शन ऑफ सीड यानी इसमें क्या हो गया, डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है, देखिए यानी उसका फैलाव यानी बीजों का फैलाव। ए लार्ज नंबर ऑफ सीड एंड प्रोड्यूस्ड इन ए प्लांट। एक पौधे में बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न होते हैं। बेन फ्रूट रिपेन द दे ऑफ ऑप्टेन ब्रस्ट एंड स्कैटर देयर सीड। एक पौधे में बड़ी संख्या में बीज उत्पन्न होते हैं, जब फल पकते हैं तो वे अक्सर फट जाते हैं और बीज बिखेर देते हैं। सम टाइम मेनी सीड्स फॉल नियर द मेन प्लांट, दे कैन नॉट ग्रो ब्ले बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट वाटर एंड एयर। सो स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन। तो कभी कभी मुख्य पौधे के पास कई बीज गिर जाते हैं जो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें उचित धूप, पानी और हवा नहीं मिलती है। तो उचित अंकुरण के लिए बीजों का बिखराव आवश्यक है। स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो मनी जो मदर प्लांट से बीजों को दूर भगाने के फैलाव को क्या, इसको क्या कहा जाता है, डिस्पर्सल कहा जाता है यानी इसका डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, उसका फैलाव होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मदर प्लांट से बीजों को दूर भगाने को फैलाव कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। प्लांट यानी डिस्पर्सल के एजेंट। प्लांट कैन नॉट डिस्पर्स देयर सीड्स हियर एंड देयर, सो सीड आर डिस्पर्स्ड बाय अदर थिंग्स सच एज विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, ऑल दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। पौधे अपने बीजों को इधर उधर नहीं फैला सकते हैं, इसलिए बीज अन्य चीज़ों जैसे कि हवा, पानी, पशु पक्षी आदि द्वारा छितराए जाते हैं। इन सभी को फैलाव का एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ये इसके कौन है, एजेंट हैं। जो एजेंट का काम क्या होता है, कोई भी सामान या कोई भी चीज़ इधर से उधर ले जाना, उसी तरह ये भी क्या करते हैं, आपके बीजों को इधर से उधर ले जाते हैं। डिस्पर्सल बाई विंड यानी पवन द्वारा फैलाओ। तो सीड दैट आर स्मॉल ड्राई फ्लैट एंड लाइट इन वेट आर डिस्पर्सल बाई विंड एज दे हैव ट्रप्स ऑफ हेयर एंड विंग्स।
तो बीज जो छोटे सूखे सपाट और हल्के वजन के होते हैं हवा से फैलते हैं क्योंकि उनमें पंखों के बाल होते हैं। सीड्स ऑफ कॉटन मेपल्स हिपनेट्स डैंडेलियंस एंड ट्विस्टिन हैविंग हेयरली ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द सीड्स विच एक्ट लाइक लिटिल पर्टिनेंस कैरी सीड्स फार अवे फॉर्म द पेरेंट्स प्लांट। तो जो आपकी ये सीड्स होते हैं बीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, तो इसमें जो आपके कॉटन होता है सीड ऑफ कॉटन यानी कपास के जो क्या होता है बीज होता है, तो कपास मेपल हिपेटेज डंडेलियन और थीज के बीजों के बीज के शीर्ष पर बालों की वृद्धि होती है जो मूल पौधे से दूर बीज ले जाने के लिए छोटे पैराशूट की तरह काम करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए टॉपिक अपना डिस्पर्सल बाय वाटर यानी जल के द्वारा फैलाओ। तो सीड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन और नियर वाटर आर डिस्पर्सड बाय वाटर। द फ्रूट ऑफ सच प्लांट हैव सर्टेन स्ट्रक्चर लाइक ए स्पॉन्जी और फाइबरस आउटर कोट विच हेल्प देम टू फ्लोट आर द इजली डिस्पर्सड। पानी से या उसके आसपास उगने वाले पौधे के बीज पानी से फैल जाते हैं। ऐसे पौधों के फलों में एक स्पंजी या रेशेदार बाहरी कोट जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जो उन्हें तैरने में मदद करती हैं और आसानी से फैल जाती हैं। वाटर लिली लोटस एंड कोकोनट आर कैरीड बाई वाटर बिकॉज दे आर लाइट एंड स्पंजी विच इनेबल देम टू फ्लोट इन वाटर। तो इसमें क्या वाटर लिली यानी पानी लिली जो पानी में लिली खिलते हैं कमल और नारियर पानी द्वारा ले जाया गया है क्योंकि ये हल्के और स्पंजी होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में सक्षम बनाती है। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग डिस्पार्सल बाई एनिमल। अब देखिए एनिमल के द्वारा बीज कैसे डिस्पार्सल होता है यानी इसको कैसे वो लोग फैलाते हैं। तो सम फ्रूट्स आर वेरी कलरफुल एंड टेस्टी लाइक मैंगो एप्पल ऑरेंज पपाया एक्सेट्रा। कुछ फल इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत कलरफुल, कलरफुल मीन्स क्या होते हैं अनेक तरह के होते हैं। आप लोग भी देखे हैं कि जो कुछ फल होते हैं तो हर तरह के रहते हैं। कुछ फल बहुत रंगीन और स्वादिष्ट होते हैं जैसे आम सेब नारंगी पपीता आदि। ये इसको जब क्या आता है पशु और पक्षी खाते हैं तो वो केवल उसका रसदार जो रसदार हिस्सा होता है उसे ही पचाता है और एनिमल्स और बर्ड इट्स देम बेन ओनली जूसी पार्ट इन डाइजेस्ट एंड सीड पास थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है जो इसका रसदार हिस्सा होता वही पचाता है और बीज पशु के पाचन तंत्र जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मतलब क्या होता है पाचन तंत्र होता है तो पाचन तंत्र से होकर गुजरता है। सीड ऑफ सम प्लांट लाइक मीमासा बडॉक एंड स्केक्टर द हुक्स स्पेनिस एंड द हेयर बीच साइक्लिंग टू द फरी बॉडीज ऑफ एनिमल्स और द फेदर ऑफ बर्ड्स एंड आर कैरीड टू लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ पौधों के बीच जैसे कि मीमासा बडॉक और कैस्टर में हुक स्पाइंस या कड़े बाल होते हैं जो जानवरों के प्यारे शरीर या पक्षियों के पंखों में चिपक जाते हैं और लंबी दूरी तक ले जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशंस यानी विस्फोट द्वारा फैलाओ। सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ब्रस्ट ओपन ए स्पॉट्स बेंदे ओवर रैप्ड और बिकम ड्राई। कुछ
फल और सब्जियां फट जाती हैं या पकने के बाद सूख जाती हैं तो द सीड गेट थ्रो ऑफ द स्केटर अबे फार्म द मदर प्लांट सीड सीड्स ऑफ पी बीन्स वॉज पीस प्लस मिनट इन द स्केटिंग बाई एक्सप्लोशंस। तो इसमें क्या बताया गया कि कुछ फल और सब्जियां फट जाती हैं या पकने पर सूख जाती हैं तो बीज फेंक दिया जाता है, जैसे मदर प्लांट से दूर बिखर जाता है। मटर, बीन, गोरस, फली, बलसम, जीरियम के बीज विस्फोट से बिखरे हुए होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। तो नेक्स्ट गया ये आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट देखिए, बीच पार्ट ऑफ फ्लावर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बड बिफोर इट ओपन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेपल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। सीड ऑफ बीट इज मोनोकॉटिलीड्स हो जाएगा इसका। फिर फोर देखिए, सीड ऑफ कॉटन इज द डिस्पर्स्ड बाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, विंड हो जाएगा। यानी किससे होता है कॉटन के, कॉटन का बीज किसके द्वारा फैलता है, विंड यानी हवा के द्वारा। सीड्स ऑफ पी एंड द डिस्पर्स्ड बाई, इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोशंस। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, फ्लावर कंटेन सीड्स, ये आपका फॉल्स है। स्वीट फ्लावर जूसी इज कॉल्ड नेक्टर, ये आपका ट्रू है। एनिमल डू नॉट हेल्प इज डिस्पर्सल्स ऑफ सीड, ये आपका फॉल्स है। ओनली सनलाइट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ये आपका फॉल्स है। सीड ऑफ एपल्स आर डिस्पर्स्ड बाई बर्ड, ये आपका ट्रू है। फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, स्टेमेन इन द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फर्स्ट का आंसर स्टेमेन हो जाएगा। सेकंड का देखिए, द स्टाइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल होगा। इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड इन स्टिग्मा, तो सेकंड का आंसर स्टाइल होगा। थर्ड देखिए, फ्रूट इज द राइपनेड ओबरी ऑफ द प्लांट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइपनेड ओबरी हो जाएगा। फोर देखिए, आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा, सीड कोट हो जाएगा। और फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सीड्स हो जाएगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए ओबरी, तो इसका आंसर देखिए आप लोग पेज नंबर 26 में देखिए, यहाँ से द स्टाइल लीड्स द पॉलन डाउन ऑफ द ओवरी दैट कंटेन्स द ओब्यूल्स, द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड ओब्यूल्स फॉर्म द सीड्स, तो इसका आंसर द स्टाइल से लेके सीड्स सकता है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन अपना, तो क्या है, हाउ डू पॉलन ग्रेन्स इंटर द ओवरी, इसका आंसर देखिए पेज नंबर 27 में देखिए, यहाँ से द पॉलन ग्रेन से लेके कहाँ तक होगा, इसका आंसर सीड्स तक, सीड्स तक है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉटिलीडंस इन द इन ए सीड, तो सेकंड का आंसर आप यहाँ पे देखिए पेज नंबर 27 में ही, ये देखिए, कॉटिलीडंस स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट बिफोर द बेबी प्लांट स्टार्ट मेकिंग इट्स ओन फूड, इसका आंसर यहाँ तक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर, व्हाट आर द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, तो डिस्पर्सल मतलब बिखराव के जो फैलाव, बीज फैलाते हैं उसका एजेंट कौन कौन होता है, कौन कौन फैलाते, देखिए विंड, वाटर, एनिमल्स, वर्ड्स एक्सेट्रा आर द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है, When a seed start to grow into a baby plant, it is called germination. A seeds need air, moisture and warmth for germination. तो इसका आंसर when से लेके germination तक होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है, What are the function of sepals and petals? हमें क्या बताना है, sepals और petals के function यानी कार बताना है। तो इसका आंसर देखिए पहले sepals में देखिए, तो हम यहाँ से लिखेंगे, sepals help to protect the bud before it opens। फिर से petals का कहाँ से, यहाँ के बाद तुरंत हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, तो
पेटल्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड बीज। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग का आंसर हो गया। अब आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए इसका आंसर यहाँ पे है पेज नंबर 27 में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पॉलिन फॉर्म वन फ्लावर टू एन अदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब आइए हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाट इज ए डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी। तो इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा आपका, सीड नेसेसरी, इसका आंसर देखिए यहाँ पे पेज नंबर 28 देखिए। तो इसका आंसर ए लार्ज नंबर ऑफ सीड से लेके कहाँ तक है, जर्मिनेशन तक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ से लेके जर्मिनेशन तक आप लोग लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम अपना देखते हैं। How is water helpful in dispersal of seed? तो इसका आंसर देखिए मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, आप लोग भी इसे लिख लीजिएगा। Water carries seeds of some plant like water lily, lotus, coconut, plum. In this way, water helps in dispersal. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट। हाउ आर एनिमल हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो एनिमल किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं डिस्पर्सल, मतलब कि बीज को वो करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 29 में, यहाँ पे देखिए डिस्पर्सल वाई एनिमल में देखिए। तो इसका आंसर सम फ्रूट आर वेरी कलरफुल एंड टेस्टी लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया एक्सेट्रा। बेन एनिमल्स और बर्ड इट देम, देन ओनली जूसी पार्ट इन डाइजेस्ट एंड सीड पास्ट थॉट द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका आंसर सम फ्रूट से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम तक है। तो ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।